चलाने की क्या जरूरत थी, एक हेलोजन ही काफी है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि मेरा नाम राजीव निगम है, मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ जी। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मेरी भी एक प्राइवेट पत्नी है। प्राइवेट? जी हाँ प्राइवेट है, सबकी प्राइवेट होती है, सरकारी किसी की नहीं होती है। दिवाली का दिन यूपी के लिए बड़ा खास होता है जी, क्योंकि यही वो दिन होता है जब यूपी में कहीं पर अंधेरा नहीं होता। बहुत अच्छे। लाइट से लोग इतना त्रस्त हैं कि पूछिए मत, और लाइट के बिल से उससे ज्यादा त्रस्त हैं जी। एक शख्स तो चिल्ला रहा था, कहने लगा ये देखो मेरा लाइट का बिल 50 रुपए आ गया। मैं बोला इस महंगाई के जमाने में 50 रुपए में ये हालत हो रही है? बोले भाई साहब आपको पता नहीं है, सर पे कैंडल और माचिस ढूंढने के लिए लाइट जलाता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। पीछे से दूसरा आदमी चिल्लाया 50 रुपए तो छोड़ो मेरा बिल देखो 20 रुपए आया है। हमने कहा 20 रुपए में तू चिल्ला रहा? बोले भाई साहब आपको पता नहीं मेरे घर में लाइट का कनेक्शन ही नहीं है फिर भी बिल भेज दिया। दिवाली के लिए मैं अपने बच्चों को लेकर के बाजार गया, फुलझड़ी अनार पटाखे वगैरह दिला रहा था, तभी मैंने देखा पड़ोस में एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ शॉपिंग कर रही थी। अच्छा, लेकिन खास बात यह थी कि उन 4 बच्चों में 5-5 साल का अंतर था। मैंने मोहतरमा से पूछा, हमने कहा मैडम ये 4 बच्चों के बीच में 5-5 साल का अंतर मेंटेन कैसे किया? बोली वेरी सिंपल, मेरे पति MLA हैं। मेरे पति MLA हैं, 5 साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं। तभी पीछे से देखा एक 3 साल का बच्चा मम्मी मम्मी कहते हुए आगे आया। मैं बोला ये 3 साल का ये क्या है? बोले देश में कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। और वैसे देखा जाए आजकल हर पत्नी अपने आप में रानी लक्ष्मी बाई है। क्या बात है? बच्चे को बाई की गोद में डालकर पति की लक्ष्मी निकाल के रानी बनी घूम रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो मेरी भी जो पत्नी है मैं आपको बता दूं कि बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, चिकनी, बम पटाखा आइटम है एकदम, ऐसा मेरे मोहल्ले के लड़के बोलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मेरी पत्नी सुंदर नहीं है, मेरी पत्नी मेरे बॉस की पत्नी से ज्यादा सुंदर है, ऐसा मेरा बॉस बोलता है। जबकि हकीकत यह है कि वो एक नंबर की कामचोर, दुष्ट, निकम्मी, नालायक, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी माँ बोलती है। अब आप सोचते होंगे कि मैं क्या बोलता हूँ, तो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि उसके सामने मैं कुछ बोलूं। दूसरे की पत्नी के बारे में सुन के बड़ा मजा आ रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ये मेरी पत्नी का किस्सा नहीं, ये दिग्गज साहब बैठे हैं बोलना भूल गए थे, उनकी पत्नी का किस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपावली का त्योहार जी समय और वक्त के साथ कितना बदलता चला गया वो मैं आपको कुछ पंक्तियों में बताऊंगा। बचपन में दिवाली, दिवाली के आते ही हम सब बड़ा खुश होते थे, बड़ा आनंदित होते थे। हमारे पिताजी एक थान से कई मीटर कपड़ा लाते थे और 4 बच्चों को काट कर उसी से कपड़े सिलवाते थे। क्या? जूते का फटा हुआ तला दिवाली में ही सिला जाता था। क्या बात है? और मेरे पिता खुद पॉलिश लेकर के सारे बच्चों के जूते चमकाते थे। वाह 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 वाह। मेरे पिता खुद पॉलिश लेके सारे बच्चों के जूते चमकाते थे, एक फुलझड़ी में आधी देर भैया और आधी देर हम जलाते थे, इस तरह कुछ फुलझड़ियों में ही हम शान से दिवाली मनाते थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी माँ चौके में तरह तरह के पकवान बनाती थी और बच्चों को बड़े प्यार से खिलाती थी। फिर मेरे पिता साइकिल के अगले हिस्से में 2 बच्चों को बिठाकर और पिछले हिस्सों में 2 को बिठाकर पूरी शहर में आतिशबाजी दिखाते थे। वाह वाह वाह। और वापस आते समय कुछ मूंगफलियां खरीद करके हम लोगों की जेब में। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उन जेबों को हम भरा हुआ खजाना समझकर खूब इतराते थे, बड़े शान से दिवाली मनाते थे। भाई क्या बात है, लेकिन अब हम दिवाली मनाने में बड़े कच्चे हैं क्योंकि मेरे पास एक मुंबईया पत्नी और 2 मुंबईया बच्चे हैं। वाह वाह वाह। मेरा बड़ा बेटा दिवाली के दिन मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाता है और 10,000 के जूते और जींस खुद ही खरीद लाता है। और मेरा छोटा बेटा ड्राइवर के साथ दोस्तों के यहाँ दिवाली पार्टी मनाने जाता है और 20,000 का चूना लगा आता है। मेरी पत्नी पकवान बनाने की जगह होटल से ऑर्डर करके खाना मंगवाती हैं और खुद किटी दोस्तों के साथ में पत्ते खेलने चली जाती हैं। क्या बात है, बहुत। दियों की जगह दिल जलता है, 50,000 खर्च करने के बाद भी मैं अपने आप को घर में अकेला पाता हूँ, पहली जैसी दिवाली अब नहीं मना पाता।